कक्षा 10 संस्कृत पाठ चल रहा है विलक्ष भेद परीक्षा, जिसमें 12 श्लोक हो गए हैं। 12वें श्लोक में हमारे बताया उसका, जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और दूसरे देश से आए हुए सभी राजा, भीम आदि सब लोग जो है से बारी बारी द्रोणाचार्य लक्ष्य भेदने के लिए तैयार किया और सबसे पूछे कि वृक्ष को देख रहे हो, गिद्ध को देख रहे हो, मुझको देख रहे हो, भाइयों को देख रहे हो ना। सब लोगों ने एक ही क्रम से कहा कि हम सबको देख रहे हैं। द्रोणाचार्य सबको जो है शब्द कहते हुए हटा दिए। इसके बाद अब 13वां श्लोक है, बारी आई अर्जुन की। लिखा है कि ततो धनंजय द्रोणम अस्मय मानो अभिभाष है, अस्मय मानो माने मुस्कुराते, अभिभाषक माने बोले कहे, ततो माने इसके बाद धनंजय माने धनंजय से, धनंजय का मतलब अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची दो माने थोड़ा क्या। इसके बाद मुस्कुराते अस्मय मानो द्रोणम अभिभाषक, यानी मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य कहे धनंजय माने अर्जुन से, यानी इसके बाद तो माने इसके बाद मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य जो है धनंजय से कहे, अर्जुन से कहे कि कोई इदानी प्रहर्तव्य, तुम जो है इस समय प्रहर्तव्य माने प्रहार करने के लिए इस लक्ष्य पर, इस लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए तुम विलोक्यताम माने देखो, अब इस लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए तुम देखो। सबकी बारी खत्म हो गई। जब अर्जुन की बारी आई अंत में तो मुस्कुराते हुए तुम अर्जुन से कहे, मुस्कुराए किसी सोचे कि अब सब शिष्य तो फेल हो गए, अब यही मेरा शिष्य है, देखे ये क्या करता है। तो मुस्कुराते हुए कहे कोई है कि अस्मय मानो दूरा संभाषक धनंजय, यानी इसके बाद हंसते हुए द्रोणाचार्य धनंजय से कहे कि कोई इदानी प्रहर्तव्य लक्ष्यं विलोक्यताम, तुम जो है इस समय प्रहार करने के लिए तो लक्ष्यं, इस लक्ष्य पर, इस लक्ष्य पर तुम इस समय प्रहार करने के लिए विलोक्यताम देखो, यानी लक्ष्य की तरफ देखो। ये तो हो गया 13वां श्लोक। तब क्या हुआ भाई, एवं उक्त, उक्त माने कहे जाने पर, इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, उक्त माने कहे जाने पर, इस प्रकार कहे जाने पर सव्यसाची, सव्यसाची भी अर्जुन का पर्यायवाची है, जो दोनों हाथों से बाण चला लेता है उसको सव्यसाची कहते हैं। यह अर्जुन के अंदर था इसलिए उनका नाम था सव्यसाची। तो एवं उक्त सव्यसाची, ऐसा कहे जाने पर द्रोणाचार्य ऐसा कहेगी लक्ष्य के तरफ देखो, तो ऐसा कहे जाने पर अर्जुन जो है मंडलीकृत कार्मिक माने धनुष होती है, मंडलीकृत माने गोलाकार बनाकर, यानी उसकी डोरी को इतना खींच दिए धनुष के कि वह धनुष जो है बिल्कुल गोलाकार हो। तो ऐसा कहे जाने पर अर्जुन जो है मंडलीकृत कार्मिक, यानी धनुष को बिल्कुल गोलाकार बनाकर तत्सव भाषण समुद्र से, भाषण समुद्र से मैंने गिद्ध को उद्देश्य बनाकर तत्सव माने खड़े हो, गुरु वाक्य पढ़ो, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, तो गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर इस शब्द को सबसे पहले जाए एवं मुक्त गुरु वाक्य पढ़ो तथा सब्यसाची, अर्थ सही हो जाएगा। यह ऐसा कहे जाने पर, ऊपर की बात जब कहने की लक्ष्य के तरफ देखो, तो एवं मुक्त ऐसा कहे जाने पर गुरु वाक्य पढ़ो तथा सब्यसाची, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर अर्जुन मंडलीकृत कार्मिक धनुष को बिल्कुल गोलाकार बनाकर भाषण समुद्दिश्य तत्सव, गिद्ध को उद्देश्य बनाकर
खड़े हो गए। धन्यवाद श्री संजय जी।